तो आ गए हैं लेके आज का टैग बुलेटिन, ढेर सारे कमाल अपडेट्स के साथ में। बहुत सारी खबरें हैं जो चुन के लाए हैं आज के एपिसोड में। जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो फटाफट से करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड की। सबसे पहली खबर हर बार की तरह आपके काम की है, सर्विस चार्ज। जैसे कि कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट या सर्विस प्रोवाइडर जहां से आप कोई सर्विस लेते हैं, अगर वो बिल में आपके सर्विस चार्ज ऐड करते हैं तो अब तक वो आप देते थे, लेकिन आगे चलकर आपकी मर्जी होगी वो देना चाहें या ना। इसको लेके गवर्नमेंट जल्दी सर्कुलर जारी करने वाली है। हाँ, प्राइसिंग किसी चीज की क्या रहेगी इसको लेके कोई गवर्नमेंट का दखल नहीं होगा। यह सर्विस प्रोवाइडर अपने हिसाब से उसके प्राइस तय कर पाएगा, लेकिन सर्विस चार्ज में जरूर कस्टमर्स के लिए राहत मिलने वाली है। अगला अपडेट डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बारे में। अब तक आईपीएल के सीजन की वजह से लोग इसके सब्सक्रिप्शन को लेना पसंद करते थे। सभी टेलीकॉम कंपनीज में भी आपको फ्री सब्सक्रिप्शन पे फोकस डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ही मिलता था, लेकिन अगला सीजन तो रिलायंस की वायोकॉम 18 के पास है राइट्स। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लान्स पे लगता है कि फोकस भी कम होगा और शायद सब्सक्रिप्शन भी हमें आने वाले दिनों में घटे हुए मिल सकते हैं। अब आप बताइए कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सिर्फ आप क्रिकेट के लिए आते थे या फिर दूसरे कंटेंट के लिए। फाइनली 5G स्पेक्ट्रम को लेके कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई महीने में इसका ऑक्शन होने वाला है, उसको लेके टेलीकॉम ऑपरेटर से एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है। 300 मेगाहर्ट्ज, 600 मेगाहर्ट्ज, 700, 800, 900, 1200, 1500, 2100, 2300, 2500 और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड्स के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो इनवाइट की गई है। जुलाई महीने में लास्ट वीक में हमें ऑक्शन होते हुए दिखाई दे सकता है और जल्दी शायद लगता है कि इस साल के लास्ट तक कंपनियां इसे रोल आउट भी कर सकती हैं कॉमर्शियल यूज के लिए। सैमसंग का अगला फोल्डेबल फोन यानी कि गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 स्पॉट हुआ है गीगबेंच पर अपने स्पेक्स के साथ में। सबसे पहले इसके प्रोसेसर के बारे में बता देते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 चिपसेट इसमें मिलेगा। 12GB की रैम स्पॉट की गई है। साथ में आपको तो एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स 1 UI टॉप इंटरफेस के साथ फोन मिलेगा। इसमें सिंगल कोर में स्कोर किया है फोन ने 1351 जबकि मल्टी कोर में 3808। अब इन स्कोर्स के साथ में फोन तो स्पॉट हो गया है लेकिन लॉन्च डेट अभी सामने आना दोस्तों बाकी है। मोटोरोला के मोटो जी सीरीज का फोन G32 BIS सर्टिफिकेशन पे ऑलरेडी स्पॉट हो चुका है इंडिया में, लेकिन आज फोन को NBTC सर्टिफिकेशन पे भी स्पॉट किया गया है। इससे लग रहा है कि शायद इसी महीने के लास्ट में कंपनी इस फोन को इंडिया में उतार सकती है। अब तक के लीक्स के मुताबिक 6.5 इंच की इसमें LCD टच स्क्रीन मिलने वाली है। कैमरे की अगर बात करें तो मोटोरोला इस G32 में है, हम सबको देने वाला है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जबकि प्रोसेसर की बात करें तो इसमें यूनिसॉक का T606 चिपसेट कंपनी दे सकती है। आज के बुलेटिन में सैमसंग से एक और अपडेट है। सैमसंग A सीरीज का बिल्कुल एंट्री लेवल फोन A03 का सक्सेसर A04 स्पॉट हुआ है और जल्दी ही इंडिया में आ सकता है। 7999 रुपए रेंज में इसे कंपनी उतार रही है। इन्फिनिटी वी टाइप डिस्प्ले इसमें मिलेगी। 3 कलर ऑप्शन अब तक सामने आए हैं जिसमें कि ब्लैक है, पिंक है और पैरट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों इस फोन के अंदर सिंगल कैमरा शायद हमें पीछे मिल सकता है अभी तक के अपडेट्स के मुताबिक। फिलहाल देखते हैं दोस्तों फोन लॉन्च होने दीजिए क्या निकल के आता है। खबर आ रही है एप्पल के अंदर से। कंपनी इस समय एक एंट्री लेवल आईपैड पे काम कर रही है जिसमें कि 5G कंपेटिबिलिटी तो होगी ही, A14 बायोनिक प्रोसेसर भी कंपनी इस आईपैड में देगी। डिजाइन की बात करें तो अब तक के अपडेट्स के मुताबिक एप्पल इस आईपैड में थोड़ा हटके डिजाइन देने वाला है। साथ ही साथ टाइप सी इसमें पोर्ट मिलेगा चार्जिंग को लेके, क्योंकि इस समय यूनिवर्सल पोर्ट पे ज्यादा काम कंपनियां कर रही हैं। वैसे दोस्तों अभी इसके बारे में कुछ पता तो नहीं है कि कब तक कंपनी लेके आएगी, लेकिन उम्मीद एक्सपर्ट्स ये लगा रहे हैं कि शायद इस साल के लास्ट तक इस हम एंट्री लेवल आईपैड को देख सकते हैं। और लास्ट अपडेट है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में। खबर आ रही है कि जापान वॉशिंगटन के साथ मिलकर अपने यहां पर 2nm प्रोसेसर को बना रहा है। अभी इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, कहां तक पहुंचा है काम कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन यह जरूर पता चल रहा है कि दोस्तों फ्यूचर को लेके कंपनियां बहुत आगे तक जा चुकी हैं। इस लिहाज से हमारे मुल्क को बहुत आगे अभी काम करना बाकी है। देखते हैं दोस्तों 2nm प्रोसेसर को लेके क्या अपडेट्स और कब निकल के आते हैं सामने। फिलहाल ये है आज का अपडेट। कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल। जुड़े दीजिए साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।